रोटी और चाय और बस दाल दाल और ये स्कूटर बाइक गाड़ी कुछ कुछ नहीं देखा। मतलब कब देखा आपने? वहाँ ऊँट गाड़ी देखी है मैंने तो। हाँ या बस ऊँट देखे है, ऊँट गाड़ी देखी है और या बेड वगैरह देखी है बस। पेपर को पढ़ के हमने देखा तो उसमें राजू नाम लिखा होता और शिकल ऐसे मिलती थी जैसे हमारा भाई राजू। राजू 30 साल बाद अचानक अपने घर लौट आता है। माँ को देखते ही गले लग जाता है, बहन को पहचानने लगता है। 30 साल की गुलामी के बाद जब वो लौटता है तो ऐसा लगता है कि घर में खुशियां लौट आई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित घर पर रिश्तेदारों का तांता लग जाता है, लेकिन फिर आती है पुलिस और कहती है ये राजू नहीं, फ्रॉड। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर विश्वास से भी आस उठ जाएगी। राजू अचानक से घर लौट आता है और ये कहानी बताता है कि कैसे राजस्थान में कुछ लोग उसे आज के भारत में गुलामी करवा रहे थे, जंजीर से बांध कर रख रहे थे, रोटी दाल दे रहे थे। तो तुम्हें पता है कि क्या टीवी होता है, क्या मोबाइल? नहीं। खाने के बारे में क्या क्या चीजें बताते हैं? रोटी और चाय और बस दाल। दाल और ये स्कूटर बाइक गाड़ी कुछ? कुछ नहीं देखा। मतलब कब देखा आपने? वहाँ ऊँट गाड़ी देखी है मैंने तो। हाँ या बस ऊँट देखे है, ऊँट गाड़ी देखी है और या बेड वगैरह देखी है बस। अच्छा, और पैसे कितने बड़े देखे आज तक? कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं, 18, 19, 20, 10 पैसे ये तो पहले के मुझे याद है बचपन के। वहाँ कुछ पैसे दिया करते थे तुम्हें? कुछ नहीं। ड्राइवर जो लेके आया उसने दिए थे खाने पीने के लिए, उसने टिकट भी करा के दी ट्रेन की गाजियाबाद के लिए। अच्छा। उसने पर्ची भी लिख के दी। अच्छा। फिर वो पर्ची लेके मैं कई थानों फिरा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैंने हनुमान जी का है, हनुमान जी मेरी सहायता करो, अब मैं हार चुका हूँ। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या दिमाग में बैठी, फिर मैं पैदल पैदल खोडा थाने में चला गया। फिर वहाँ मैंने रखा है अपने, ये तो अब तो बताइए बूंदे हैं, बूंदे अब तो बताया। अब तो पता है, पहले पता था कि पहले चप्पल पहनते थे, चप्पल पहनते थे वहाँ तो टूटी पड़ी, तीन दुनिया से एकदम अलग थे वहाँ तो टूटी पड़ी सी चप्पल देते थे बस। एक और राजू की कहानी है, दूसरी ओर परिवार वाले हैं। माँ के हाथ में वो पुरानी तस्वीर है जिसमें छोटा बच्चा राजू नजर आ रहा है। परिवार वाले भी राजू की कहानी सुनकर हैरान है। और वो बता रहा था कि मैं जैसलमेर जिले में रखा गया था, और जैसलमेर जिले में वहाँ बकरी चरवाते थे मेरे से, दिन में बकरी चरवावे, शाम को पैरों में जंजीर बांधे है। फिर काफी दिन गुजरते हुए किसी कोई ड्राइवर गया ऐसे दिल्ली से, उसने देखा उसके पैर में जंजीर बंधी ओढ़ है, तो उसने उससे पूछ लिया वो जंजीर क्यों बंध रही है तेरे पैर में, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बात है मेरे को उठा कर लाए गए। कितने दिन हो गए? नुके इतने दिन हो गए, 31 साल हो गए। अच्छा नो अंकल जी मेरे को यहाँ तक काट दो, उसने रिक्वेस्ट करी है। उसने कही है बस देखो कोशिश करेंगे, बाकी किसी से कहना करना नहीं। तो उसने बताई कि वो ड्राइवर जब भेड़ लेने गया वहाँ तो भेड़ों के साथ में मेरे को भी बिठा लिया उसने, और बैठा के लाके दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली उसने बाल बाल कटवाए, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे थे, और उसके लिख के पर्चा दे दिया उसके हाथ में कि इस पर्चे को या तो किसी थाने में पहुंच जाओ या किसी मीडिया वाले से मिल लो, जो भी भाई इस पर्चे को पढ़े तो उस मीडिया वाले से मिला दे या इसको थाने में पहुँचा दे। वो खोड़ा थाने में पहुंचा, खोड़ा थाने वाले ने उनसे पूछताछ करी तो उसका नाम राजू हुआ। राजू की उन्होंने फोटो न्यूज वाले से लिखवाई पेपर में, पेपर को पढ़ के हमने देखा तो उसमें राजू नाम लिखा होता और शिकल ऐसे मिलती थी जैसे हमारा भाई राजू। हम वहाँ देखने के लिए खोड़ा गए, खोड़ा वहाँ हमें लगा कि हमारा भाई है। फिर हम आके उसकी मम्मी को लेके गए, मम्मी भी गई, बहन भी बुला ली, पापा भी गए। अब वो देख के कह लगे ना भाई, वो मम्मी को देख के मम्मी से लिपट गया कि मेरी तो मम्मी ये। एक ड्राइवर के सहारे दिल्ली पहुंचा राजू पुलिस थाने कागज लेकर पहुंचता है। पहले बहन को पहचान नहीं पाता है, लेकिन माँ को देखकर
गले लग जाता है। तो उसमें जो उसकी बड़ी बहन है उसको कही हमने, तो इसको जानता है? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। तो हमने नाम लिया उसका कि ये संतोष है। तो संतोष का नाम लेते उसकी फिर याद आ गई, वो फिर फोटो में कह लगा ये मोटी है, ये छोटे वाली है, उसका नाम अप्पो है, ये अप्पो है और ये मैं हूँ। तो उससे फिर हमें भी ये हुआ भाई हाँ हमारा ही है, इसके याद है, और फिर उसके निशान निशान भी देखे। लेकिन फिर एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस घर आती है और राजू को उठा ले जाती है। पुलिस बताती है कि कोई राजस्थान से नहीं आया, ये देहरादून में एक ऐसे ही परिवार के साथ रह रहा था, खुद को गुमा हुआ बेटा बताकर। वो उसको यहाँ तक लेके गई है। उन्होंने साहिबाबाद पुलिस कह रही है कि ये तो देहरादून में भी रह आया है किसी बुढ़िया के साथ में, उसको अपनी माँ बता भैया, और यहाँ बुज्जी है उससे भाई तेरा फोटो है? वो कहती नहीं मेरा फोटो नहीं है, जबकि फोटो में वही है। तो पुलिस उसको लेके गई है ठाके। अब पुलिस अपनी छानबीन करके करेगी जो भी। बहन को भी राजू के ऊपर शक है। दिन में सही बोलता था, शाम को थोड़ा ये करता था हरकत सी की बाहर को जाऊंगा मैं। मैंने कहा बाहर कहाँ जाएगा, तो कहने लगा कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जाऊंगा। मैंने कहा चलो थोड़ी देर घुमा लाए, तो कह रहा है यहीं सोऊंगा। मैंने कहा यहाँ क्यों सोएगा, यहाँ सो तू, जब यहाँ है तो बीस तरफ बाहर बाहर को करता था। हालांकि इस मामले पर दो राज्यों की पुलिस उलझ गई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड देहरादून पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं गाजियाबाद पुलिस भी राजू की असलियत को खंगाल रही है। मामले में साहिबाबाद एसपी रजनीश उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस राजू की असलियत जांचने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर राजू से पूछताछ भी की गई है। अब जाँच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर राजू असली बेटा है या फर्जी बेटा है, और अगर वो यहाँ आया था तो क्यों आया था। गाजियाबाद से मयंक गौर की रिपोर्ट, यूपी तक।